वेरी गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ प्रियंका और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देसी छोरी ब्लॉग्स पर। कि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा वीडियो जिसका इंतज़ार था आपको कम से कम 3-3.5 महीने हो गए हैं, जिसका इंतज़ार आज ख़त्म होने जा रहा है। तो हाँ जी, ये वीडियो जो है मार्च में एक्चुअली आने वाला था, कुछ वीडियो पहले ही रेडी हो चुका था उसी टाइम पे, लेकिन फिर मुझे पता चला कि अभी वीडियो नहीं डालना है तो मैं ढीला पड़ गई, मैंने तैयारी कुछ की ही नहीं। अब फिर से शूट किया है जो आधा वीडियो रह गया था, तो अब मैं फाइनली आपके साथ वो शेयर करने जा रही हूँ मिला जुला के एक 3 महीने पहले की क्लिप और कुछ क्लिप्स अभी की। यहाँ से शुरू होती है साड़ी, ब्लाउज उसी के साथ अटैच है। इस तरीके से है ऊपर ये बुटिया है, मैं आपको नीचे की तरफ से दिखा रही हूँ ऐसे। जितने भी प्लेट्स बनेंगी ना आपके, वहाँ तक ये इतना हैवी काम है। और उसके बाद जहाँ से पल्ला स्टार्ट होगा, जहाँ से ये घूमता है वहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है प्लेन, और फिर एंड में जाके इसका हैवी पल्ला आ जाता है ये इस तरीके का। बाजू पे लगवाइए या बैक में कोई डिज़ाइन बनवाइए, और फ्रंट के लिए ये दे रखा है बना बनाया है ये। तो कपड़े की आपको कहीं से कोई कमी नहीं रहने वाली है इसमें, बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे बना बनाया जो ये नेक है ना, इसमें आपको कोई टेंशन भी नहीं है कि मुझे कैसा डिज़ाइन डलवाना है कैसा नहीं, बिल्कुल बना बनाया ये आपको रेडी मिल जाता है। और काफ़ी अच्छा लगेगा जब ये यहाँ पर आएगा, आप देख सकते हो। और आप अपनी पसंद से ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा। इसके बाद मैं आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ गाउन, और ये गाउन इतना हैवी है कि आपको इसको किसी भी पार्टी फंक्शन में इजीली वेयर कर सकते हैं, चाहे आपके घर में ही क्यों ना फंक्शन हो। ये इतना हैवी है, हैवी से मतलब कोई सितारा मोती कोई इस टाइप का काम नहीं है कि आपको परेशानी हो। कढ़ाई है रेशम के धागे की है और जरी की है, दो टाइप की कढ़ाई है। इसलिए मैं आपको एक बार पास से दिखा देती हूँ फिर खोल के दिखाऊँ। पीछे से प्लेन मिलेगा इस तरीके से, आगे से भी ये, और ऐसा ही पूरा का पूरा पीछे से है इस तरीके का है। ये स्लीव्स दी हुई है आधी आधी, अगर आपको लगवानी है तो ठीक है वरना हटवा दीजिए। और नेक बनवाने पड़ेंगे आपको इसके, जितनी भी मतलब नेक की लेंथ आप रखना चाहो उसके अकॉर्डिंग, और बस साइड की सिलाई लगवा देनी है और आपका गाउन जो है बनके रेडी हो जाएगा। अगर कोई मेरे जैसा छोटा मोटा टेलर है तो वो घर में भी रेडी कर लेगा, कहीं बाहर आपको लॉकडाउन में कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बना बनाया गाउन आपको तैयार मिल जाता है। आप ये सोच रहे हो कि मैं ससुराल में कैसे वियर करूँगी, तो देखो नेट के दुपट्टे तो आजकल सब ओढ़ते हैं, और इस गाउन के साथ भी उन्होंने एक अच्छा खासा लेंथ वाला पूरी जितनी अपनी चुन्नी की लेंथ होती है ना उतना दुपट्टा दिया हुआ है। मैं अगर आप कहोगे तो खोल के भी दिखाती हूँ। ये इसका अरज है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, और आप खूब आराम से देख सकते हो, मुझे लग रहा है कि मेरी चुन्नी से भी कहीं ना कहीं ज़्यादा लंबाई है,
इतनी लंबी चुन्नी नहीं होती है, और ये इसकी चौड़ाई है पूरी। पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, जिसका फैब्रिक भी मुझे सबसे प्यारा लगा है, और जिसका काम तो आप देखोगे तो आप देखते ही रह जाओगे, इतना अच्छा लगा है। और कलर तो उससे भी ज़्यादा लाजवाब है। निश्चय की भाषा में बोल दिया आज मैंने, टंटना निश्चय बोलता है हर बात के लिए। तो ये साड़ी जो है मैं आपको खोल के नहीं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि इस पर जो है पूरा ये वाला बॉर्डर है, और ये साड़ी अगर करवा चौथ पे पहन ली जाए तो सच में, ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये कपड़े पसंद किए तो आप भी सेम यही कपड़े पसंद करोगे। इतनी वैरायटी है वहाँ पे, इतनी वैरायटी है इनकी साइड पे, आप एक बार जाके चेक ज़रूर कर लेना। मुझे लगता है कि आप खाली हाथ वापस नहीं आ पाओगे, आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर लोगे, एक बार चेक कर लेना मेरे कहने से। मैं लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगी। साड़ी की एम्ब्रॉयडरी है सेम वही वाली यहाँ पे दी हुई है आपको फ्रंट बनाने के लिए ब्लाउज का इस तरीके से, और इसी कढ़ाई में आपको ये वाली स्लीव्स दी गई है। ये चाहे आप इसकी हाफ बनवाइए, आप देख रहे हो कितना बड़ा फैब्रिक है, या फिर आप इसकी पोनी वाली बनाएंगे जो यहाँ तक वाली होती है ना, काफी अच्छी लगती है वो स्लीव्स भी बोट नेक के साथ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि फ्रंट में तो इतना हैवी हो जाएगा और बैक में मैं क्या करवाऊंगी, तो उसके लिए भी इसके पास अच्छा सा जुगाड़ है, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने मतलब हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया है, इस वाली साड़ी को, तो इसके साथ में बैक में आपको ये मिल जाता है, जैसा बॉर्डर आपको साड़ी में मिलता है ना सेम वही बॉर्डर है। आप चाहो तो इसको बैक में लगवाइए, और मैं तो ये कहूँगी इसको इस तरीके से वी नेक बनवा के अगर लगवा दिया जाए, एकदम डीप वी नेक बैक का, तो क्या गजब ये ब्लाउज लगेगा ना, सच में बहुत प्यारा लगने वाला है ये ब्लाउज सिल के, और जब इस साड़ी के साथ ये ब्लाउज पहना जाएगा। ये है वो लहंगा स्काई कलर का, देखिए ये लहंगा है, और लहंगा भी पूरा यहाँ से लेके, ये तो देखो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है मतलब आपकी हाइट ज़्यादा है सॉरी, तो फिर आप इसको रहने दे सकते हैं, और अगर आपकी हाइट कम है, ये लहंगा आप पे ज़्यादा लेंथी हो रहा है, तो आप इसको अंदर फोल्ड करवा सकते हैं। तो अब मैं आपको लहंगा दिखाना स्टार्ट करती हूँ, ये एक स्काई कलर का और रेशम की कढ़ाई वाला है, ये भी लहंगा है, और जरी की कढ़ाई से इसको फिनिश किया गया है, इस तरीके से है ये, और इसमें भी आगे पीछे से कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे भी ये पूरा भरा हुआ है, और सेम उसी तरीके से पूरा भरा हुआ है इस साइड से, और मतलब घेर में तो कोई कटौती है ही नहीं। ये जो है ये इतना टाइट दिया है, मतलब यहाँ से इसके साथ इसके अंदर मेरे हिसाब से वो वाली फॉर्म फिल की गई है, जो कि एकदम खड़ी खड़ी रहती है, जिससे आपके लहंगे का जो घेर है ना वो काफ़ी अच्छा बना रहता है। और ये है कैनकेन, आप देख ही सकते हो खूब अच्छी, मतलब पूरे घेर में दी हुई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगे आगे लगा के काम छोड़ दिया है, मतलब कुल मिला के मुझे इनके प्रोडक्ट जो है पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे। दिखाती हूँ इस लहंगे में, अगर आप किसी को दुल्हन को भी गिफ्ट करना चाहते हो ना,
अगर मान लीजिए आपके कोई रिलेशन में या आपके आस पड़ोस में, या आप समझ लीजिए कोई ऐसी शादी है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, या कुछ ऐसा, देखो हर इंसान की अपनी अपनी मजबूरी होती है, तो आप उनको ये लहंगा ना बड़ी आसानी से दे सकते हो शादी में पहनने के लिए। मैं ब्राइडल की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये लहंगा कहीं से भी कम नहीं है, कहीं से भी। और मैंने तो अपने लिए लिया है, अपने लिए तो आप ले ही सकते हो बेझिझक होके। अगर आपको किसी शादी में जाना है, फंक्शन में जाना है, या आपका वैसे ही दुल्हन जैसा लहंगा पहनने का मन हो रहा है, आपकी शादी को काफ़ी साल हो गए हैं, आपका लहंगा पुराना हो गया है, आप चाहते हैं कि मैं इस ट्रेंड का लहंगा पहनूं, तो बहुत बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये आपको मिल जाता है। अब मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ। देखिए, जो स्काई वाला था उसका प्राइस थोड़ा सा अंतर है, इन दोनों में ज़्यादा नहीं है। तो उसके बॉर्डर पे जो नेफा होता है, जो यहाँ पे जो इस पेट पे जो बांधा जाता है, उसमें जो है बॉर्डर नहीं लगा हुआ था, लेकिन इसका बॉर्डर भी सुना नहीं है, इसमें यहाँ अच्छे से ये दोनों तरफ कढ़ाई दी हुई है, तो ये शुरू हो जाता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं पूरी ढकने वाली हूँ। फिर इतना प्यारा डिजाइन लग रहा है, मेरा मन भी नहीं कर रहा कि मैं अपना मुंह ढक के इसको ना देखूं। चलो मैं पीछे का देखती हूँ, आप यहाँ से देखिए। तो इस तरीके का ये लहंगा, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। मेरा तो एकदम से दिल आ गया था इस लहंगे पे, और मैंने देखते ही सिलेक्ट कर लिया था। और इसका कलर जो है रेड मैरून है। वो आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी इस वाले लहंगे में, ये साथ में ही दी हुई है, ब्लाउज की लाइनिंग इसी के साथ अटैच है। अब मैं एक बार आपको इसका दुपट्टा और दिखा देती हूँ, फिर आप रोक नहीं पाओगे खुद को इस लहंगे से खरीदने से। तो ये है इसका दुपट्टा, बॉक्स में जिस साइट से ये मैंने मंगाए हैं, एक बार आप वहाँ पे चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और इस टाइम पे तो वहाँ पे अच्छा खासा ऑफ भी चल रहा है, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। आप अपना फेवरेट भी बताना इनमें से कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा लहंगा अच्छा लगा, और ये भी बताना कि क्या आपने आज की वीडियो को इन्जॉय किया या नहीं किया। और कल जो है आपके साथ एक स्पेशल वीडियो आने वाला है, तो उसको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना बिल्कुल मत भूला करो। शेयर करने से जो है ना हमको बहुत फ़ायदा होता है, बहुत। अगर आपके घर में, फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी को भी व्लॉग देखने अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करो। अगर आप हमें पसंद करते हैं तो, क्योंकि फोर्स तो करके किसी के साथ कुछ भी काम नहीं करवाया जा सकता, अगर आपका दिल करता है तो प्लीज़ वीडियो शेयर कर दिया करो। मैं फिर से वही बोलूँगी, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ बनाने में पसीने छूट जाते हैं, गर्मी में इतने भारी भारी ड्रेसेस पहन के दिखाना आप लोगों को। तो चलिए फिर मिलते हैं मैं आपसे कल, बातें खूब सारी हो गई हैं, वीडियो खूब बड़ा हो गया है। अब मिलूंगी मैं आपसे कल अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए यहीं से कर देती हूँ इस वीडियो को एंड। बाय बाय, टेक केयर।